राम राम सभी ने। आज की वीडियो जो है स्टोरी ऑफ हल्दीराम के ऊपर है। गुलाम भारत में जो है खोली गई एक छोटी सी दुकान जो है आज़ाद भारत का नंबर वन जो है ब्रांड बन गया। हल्दीराम के प्रोडक्ट्स लगभग हर घर में इस्तेमाल किए जाते हैं। वह किसी भी पार्टी में नाश्ते के तौर पर लगाए जाने वाली नमकीन बिना हल्दीराम के जो है अधूरी सी लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं आज़ादी से पहले हल्दीराम की जो है एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी। फिर आज़ादी के बाद कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े कि आज वो नंबर वन बन गए। बीकानेर का जो है एक बनिया परिवार की एक कहानी है। शुरुआत बीकानेर के एक बनिया परिवार से हुई थी। नाम तनुकदास, जिनकी मामूली सी आमदनी से इसी तरह परिवार का गुजारा हो रहा था। आज़ादी के करीब 50 से 60 साल पहले अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे तनुकदास के बेटे भिखाराम अग्रवाल नए काम की तलाश में थे। उन्होंने अपने और अपने बेटे चांदमल के नाम पर भिखाराम चांदमल नामक एक दुकान खोली। उन दिनों बीकानेर में जो है भुजिया नमकीन का स्वाद लोगों का भी पसंद आ रहा था। उन्होंने भी भुजिया बेचनी चाहिए। भिखाराम ने जो है भुजिया बनाने की कला अपनी बहन बीखी बाई से जो सीखी थी। उनकी बहन ने अपने ससुराल से भुजिया बनाने सीखी थी। बीखी जब भी अपने मायके आती तो भुजिया साथ लेकर आती थी। उसके मायके वाले उस भुजिया को काफ़ी पसंद करते हैं। बहरहाल भिखाराम ने जो भुजिया बनाकर अपनी दुकान पर बेचना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी भुजिया जो है बाज़ार में बिकने वाली भुजिया की तरह साधारण नहीं थी। बस किसी तरह से जो है रोजी रोटी चल रही थी। सन 1908 में भिखाराम के घर उनके पोते गंगा भीषण अग्रवाल का जन्म हुआ। उनकी माता उन्हें प्यार से हल्दीराम कहकर बुलाती थी। जब हल्दीराम का जन्म हुआ तो उनके दादा की उम्र 33 साल थी। उस ज़माने में जो शादी जल्दी हो जाया करती थी। खैर बचपन से हल्दीराम ने घर में नमकीन बनते हुए देखी थी। छोटी सी उम्र में वे जो घर के कामों में हाथ बटाने लगे थे। एक काम करने से जो कभी नहीं हिचकिचाते थे। उनके अंदर यह सबसे बड़ी खूबी थी। अपनी मेहनत और लगन की वजह से उन्होंने जल्द ही भुजिया बनाना सीख लिया। महज 11 साल की उम्र में जो है हल्दीराम की शादी जो चंपा देवी से हो गई। शादी के बाद जो जिम्मेवारियाँ बढ़ गई। हल्दीराम ने जो है अपने दादा की भुजिया वाली दुकान पर बैठना जो शुरू कर दिया था। उनकी भुजिया जो है बाज़ार में बिकने वाली भुजिया से कुछ खास नहीं थी। ये भुजिया के व्यापार को जो है आगे बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें कुछ अलग करने की ज़रूरत थी। ऐसे में हल्दीराम ने अपनी भुजिया के स्वाद को बढ़ाने के लिए कुछ बदलाव किए। उन्होंने इसमें मोठ की मात्रा को बढ़ा दिया। उस भुजिया का स्वाद उनके ग्राहकों को काफ़ी पसंद आया। इसके बाद उनकी जो भुजिया काफ़ी सारी बिकने लगी। उनके एक एक्सपेरिमेंट ने जो उनकी ज़िंदगी बदल दी। परिवार से अलग होने के बाद हल्दीराम ने बीकानेर में साल 1937 में एक छोटी सी दुकान खोली, जहां बाद में उन्होंने भुजिया बेचनी शुरू कर दी थी। इसके ज़रिए वह अपने मार्केट में अपना नाम कमाना चाहते थे। कहा जाता है कि हल्दीराम हमेशा अपनी भुजिया का स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ बदलाव करते रहते थे। इसी वजह से जो उनका नाम बढ़ता गया वो थोड़ी नरम मोटी और गठिए की जो है समान भुजिया लेकर आए। एक बार में ही उन्होंने जो है उसके रूप को बदल दिया। हल्दीराम ने जो अपने दम पर पतली भुजिया बनाई, ये काफ़ी चटपटी और जो क्रिस्पी थी। इस तरह की भुजिया जो है कभी मार्केट में नहीं आई थी। जब लोगों ने हल्दीराम की इस भुजिया को चखा तो उन्हें काफ़ी पसंद आया। उनकी चटपटी और स्वाद से भरी भुजिया खरीदने के लिए दुकान के सामने लाइन लगने लगी। पूरे शहर में उनकी दुकान भुजिया वाड़ा के नाम से जाना जाने लगी। बाद में उन्होंने अपनी दुकान का नाम ही हल्दीराम रख दिया। हल्दीराम का व्यापार जो दिन दुगना रात चुगना बढ़ने लगा। भुजिया के साथ कई प्रकार की जो और भी नमकीनें बनने लगी। भुजिया में मोठ मिलाने के साथ जो है पहले के मुकाबले जो उन्होंने पतला भी कर दिया था। बीकानेर से कोलकाता और दिल्ली तक जो है उन्होंने राज किया। आज जो उनके 70 से भी ज़्यादा स्टोर हैं। 1970 में उनका पहला स्टोर जो नागपुर में खोला गया था।
हल्दीराम का ब्रांड समय के साथ तरक्की कर रहा था। साल 2003 में हल्दीराम अमेरिका में अपने प्रोडक्ट्स का निर्यात शुरू कर दिया। 80 से ज़्यादा देशों में जो है उनके प्रोडक्ट जाते हैं। 2015 में जो है कंपनी को काफ़ी बड़ा झटका लगा। अमेरिका ने हल्दीराम के निर्यात पर जो रोक लगा दी। उनका कहना था कि हल्दीराम अपने प्रोडक्ट्स में कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो है हल्दीराम के प्रोडक्ट्स पर रोक लगानी पड़ी। आगे कंपनी के कारोबार को जो है भौगोलिक आधार पर देश के 3 हिस्सों में बांटा गया, ताकि कंपनी अधिक से अधिक जो है ग्राहकों तक आसानी से पहुंच सके। सबसे बड़ी जो है दिल्ली की कंपनी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो 2013-14 के बीच हल्दीराम का दिल्ली वाली कंपनी का रेवेन्यू जो 2100 करोड़ रुपये था सालाना, और हल्दीराम का जो है 2019 का सालाना रेवेन्यू जो है 7,500 करोड़ रुपये था। एक रिपोर्ट के मुताबिक हल्दीराम के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए सालाना जो है 3.8 अरब लीटर दूध, 80 करोड़ किलोग्राम मक्खन, 60,000 किलोग्राम घी, 62,00,000 किलोग्राम आलू की जो है खपत होती है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को जो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।